सब्सक्राइब करें न्यू वेब गुरुजी चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का न्यू वेब गुरु चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ कि आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत बड़ा एक यूट्यूबर से, जो कि उनका नाम है आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही बड़े, बहुत उनका जो है आज 800,000 सब्सक्राइबर पार कर गए हैं आज। तो उनसे हम बात करने वाले हैं, उनसे क्या क्या बात करेंगे आज, उनसे हमको बात होगी वीडियो के माध्यम से, हम उनसे कुछ कुछ पूछेंगे जो कि उनका वो उसका वो जवाब देंगे। आपको पता है बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम है मनोज दे, जो कि चैनल का नाम है, चैनल का भी नाम मनोज दे है, उनका भी नाम मनोज दे है। चलो दोस्तों उनसे हम बात करेंगे, आज बात कीजिए मेरा। तो आज जो है वो जो भी हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब का जो भी यूट्यूब पर आए हैं उन्हीं को देख कर क्या है, उन्हीं से सीखे, जो भी चीज़ सीखे। मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, लेकिन क्या है कि उन्हीं का वीडियो देखे आज लगभग, बात कीजिएगा तो लगभग 6 महीना 7 महीना उनका वीडियो हम रेगुलर देखे हैं। और 6 महीना रेगुलर देखने के बाद हम क्या किए हैं, वीडियो को ये चैनल स्टार्ट किए हैं। हम 6 महीना वीडियो देखे सीखे हैं उसके बाद चैनल, लेकिन इससे पहले बात किया तो मेरे हमको इंटरेस्ट था, बात किया टेक्निकल नॉलेज के बारे में, मोबाइल के नॉलेज के बारे में, इंटरनेट के बारे में, बहुत सारा नॉलेज मेरे पास पहले से था। ये जो नॉलेज मेरे पास है अपने पास रखने से फ़ायदा नहीं, अपने दोस्तों के साथ अपने भाई के साथ शेयर करेंगे इस नॉलेज को, ताकि और आगे दोस्तों को आगे जो है भाई लोग हैं उनको नॉलेज देंगे, ताकि वो भी अपना कुछ कर पाएंगे आगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम जो है बात करने जा रहे हैं, वीडियो को टाइम जाने वेस्ट करेंगे, आप स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक क्या कि आप मनोज भाई से बात करेंगे। आप बहुत खुश हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उनसे कुछ कुछ हम क्वेश्चन करेंगे आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, आप हो सकता है इसमें बहुत सारा मोटिवेशनल क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इस मोटिवेशनल बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, इस क्वेश्चन सुनने से आपको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या कीजिए आप वीडियो के बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे मनोज भाई आपको जो है मनोज भाई जो लाते हैं बहुत बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक, उसे टॉपिक मैं भी लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मनोज भाई आपके लिए कि आपको जो है आज से लगभग दो साल तीन साल पहले के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है, वो आप हमको थोड़ा सा बताइए। तो भाई मैं बताऊँ, अगर दो तीन साल नहीं सिर्फ एक साल पहले अगर मैं अपने लाइफ स्टाइल को जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत मतलब कि मैं अंदर से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ और ज़्यादा, कि मैं आज से एक साल पहले मेरा लाइफ स्टाइल कैसा था और अभी का लाइफ स्टाइल क्या है। पहले क्या होता था कि आपने बहुत सारे वीडियोस पर मेरे देखे हैं कि पहले जो है नेट पे भरवाने के लिए सोचना पड़ता था, और आज जो है हाथ में एप्पल का फ़ोन है। तो ये देखिए, ये सब मोटिवेशन के लिए मैं ये सब बात बता रहा हूँ। अब ये सब जो है आप लोग नेगेटिव वे में बहुत कोई ले लेते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहा है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ, मैंने किया तो आप भी कर सकते हो यार, बस यही, इसीलिए मैं ये सब बताता हूँ। आज एप्पल का फ़ोन लेना जो है मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ले पाऊँगा, लेकिन आज समझ सकते हो कि एप्पल का फ़ोन मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और आज से एक साल पहले की अगर बात करते हैं, नेट पैक भी भरवाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, घर से जो है पापा से 10-20 रुपये लेना पड़ता था नेट पैक भरवाने के लिए, किसी तरह पैसे जुगाड़ करना पड़ता था। और जो कि अभी जो है मिडिल क्लास के फैमिली जितने भी लड़के हैं मेरे एज के, सबके साथ ऐसा होता है, मुझे पता है। इसीलिए मैं ये सब बातें आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप अंदर से थोड़ा सा और मोटिवेट हो और जो है अपने लाइफ के बारे में सोचो, करियर के बारे में सोचो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यूट्यूब पे ही सक्सेस करना है, सक्सेस करने के कई रास्ते हैं, मैं हर बार बताता हूँ। आप पढ़ लिख करके भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप टिकटॉकर बन सकते हो, वेबसाइटर बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, सक्सेस करने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो कुछ ना कुछ करो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए भाई आप लोग वो जो है एक साल पहले की बात कर रहे हैं, मेरे भाई मनोज भाई जो है मात्र एक साल पहले की बात कर रहे हैं कि एक साल पहले वो कुछ भी नहीं थे, मोबाइल रिचार्ज करना करवाने के लिए बहुत सारा पापा जी से पैसा लेना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता। अभी क्या देखिए एप्पल का फ़ोन रखे हुए, क्या एक साल में भी बहुत ग्रोथ किए हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किए हैं। और सक्सेस पाने के लिए क्या है कि कहीं भी आप देखिए लगन से काम कीजिएगा तो आसानी सक्सेस आप वहाँ पर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए भाई आपके लिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है कि भाई आप जो है वो एक ही शर्ट पहन रहे हैं बार बार, आपको बहुत सारा वीडियो में एक ही शर्ट देख रहे हैं, तो आपका फेवरेट शर्ट है क्या, थोड़ा सा इसका हमको जवाब दीजिएगा भाई। तो देखिए जो है मैं एक ही शर्ट मतलब ये शर्ट के बारे में ये नहीं बोल रहे हैं, मैं बार बार क्या करता हूँ कि कोई शर्ट है जो है उसी को मैं बार बार पहन के वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए मेरा थिंकिंग कुछ ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड, मैं कैसा पोजीशन में हूँ, मेरा सेटअप कैसा है, मेरा शर्ट कैसा है, मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरे थॉट के अनुसार ये सब मैटर नहीं करता है। आपकी वीडियो में कुछ नॉलेज होगा, पब्लिक को पसंद आएगी तो वीडियो में आपके व्यूज़ आएंगे, ये शर्ट और ये बैकग्राउंड क्या मैटर करता है। मान लीजिए मैं बहुत झाड़ झूड़ के बैठ गया यहाँ पर एकदम स्मार्टनेस के साथ, एकदम जैकेट वैकेट लगा के सेटअप भी बढ़िया बना लिया, कैमरा लगा दिया, ट्राइपॉड लगा दिया, और मैं नॉलेज ही कुछ नहीं दे पा रहा हूँ आपको, तो मेरे वीडियोज़ कौन देखेंगे।
इसलिए मैं ये थॉट रखता हूँ, और इसलिए मैं कभी भी वीडियो बनाने से पहले मैं क्या पहन के बना रहा हूँ ये मैं सोचता ही नहीं। मैं सुबह जैसे नहा करके फ्रेश होकर जो कपड़े पहनता हूँ वही कपड़े पहन करके शाम में टाइम मैं वीडियो शूट करता हूँ 4 बजे, उस टाइम मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा फेस वॉश करके फ्रेश होकर बस वहीं पहन के रह जाता हूँ। अब पता नहीं कभी कभी जो है एक ही शर्ट में 3-4 वीडियो रेगुलरली आ जाते हैं, तो ये सब मैं माइंड ही नहीं करता, सोचता ही नहीं कि मैं क्या पहना हूँ नहीं पहना हूँ, क्योंकि मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ मैं चाहता हूँ कि अपने पब्लिक को कुछ अच्छा शिक्षा दे पाऊँ, नॉलेज दे पाऊँ, यही मैं सोचता हूँ। तो इसीलिए मेरा कोई फेवरेट शर्ट बोल के चीज़ है नहीं, जो मन में आए पहन लो यार वीडियो बनाओ। चलिए अब समझ गए कि आप जो है वो कोई भी शर्ट कभी पहन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भाई आप जो है वो कौन सा यूट्यूबर को वीडियो देखते हो, आप जो है आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, फेवरेट कौन है? तो देखिए मैं कई यूट्यूबर्स को यूट्यूब पे देखता हूँ, लेकिन अगर बात आप कर दी हैं या फिर फेवरेट यूट्यूबर की, तो मैं सबसे अच्छा सबसे टैलेंटेड यूट्यूबर मैं उनको सोचता हूँ जो है भुवन बाम। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं बीबी की वाइंस, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपने किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करके रखा सिवाय भुवन बाम के, मैंने सिर्फ बीबी की वाइंस को फॉलो करके रखा इंस्टाग्राम पे जाकर। आप लोग मेरा अकाउंट पे जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम के यूजर नेम है मनोज23, जाकर के देखना। भुवन बाम को छोड़कर मैंने किसी को नहीं फॉलो किया, रीज़न ये है कि मुझे वो बहुत पसंद आते हैं, रीज़न और भी बहुत सारा कारण है, क्योंकि देखिए उसका टैलेंट जो है, उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट मुझे यूनिक लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हो 5-6 किरदार खुद से ही वो जो है रोल करते हैं वीडियोस पे, खुद एडिट करते हैं, खुद वीडियो शूट करते हैं एक फ़ोन से ही, अभी तक मैं बताना चाहूँगा वो जो है आईफोन से अपनी वीडियोस को शूट करते हैं, आप लोगों को जानना पता है या नहीं मैं बता देता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ कि उनका ऐसा टैलेंट है कि आज तक उनको कोई कॉपी तक नहीं कर पाया। आप समझ सकते हो कि बीबी की वाइंस की टाइप का आपका और चैनल, दूसरा चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, है भी तो फेमस नहीं, हो सकता छोटा मोटा हो भी सकता, लेकिन उनका कॉपी तक नहीं कर पाता है कोई, तो आप समझ सकते हो किस तरह का टैलेंट उन्होंने रखा हुआ। और सेकंड बात क्या है कि वो एक इंडिविजुअल क्रिएटर है जिनका कि उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। थर्ड बात ये है कि उनका जो है इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, अगर किसी यूट्यूबर की बात करें इंडियन यूट्यूबर की, तो सबसे ज़्यादा इंस्टा फॉलोवर्स भुवन बाम का ही है, 8 मिलियन। तो बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से वो मुझे पसंद है, ठीक है, बहुत सारे रीज़न है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। और बाकी अब बात करें, बहुत सारे मेरे गुरु जैसे हैं माई स्मार्ट स्कूल है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखता हूँ, बहुत सारे क्या सबके देखता हूँ, छोटा चैनल बड़ा चैनल, कम सब्सक्राइबर्स बड़े सब्सक्राइबर्स, सबके वीडियोस देखता हूँ। चलो भाई अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि भाई आप जो पहले वीडियो बनाते थे, पहले आपका वीडियो आता था मोटिवेशनल टाइप का वीडियो आता था पहले, ठीक है, आप पहले जो था वो छत पर वीडियो बनाते थे तो ज़बरदस्त वीडियो लगता था देखने, क्या कि अब जो है आप छत पर वीडियो आप नहीं बनाते हैं, अब मोटिवेशन उतना नहीं देते हैं, वो ऐसा क्यों है, हमको इसका आंसर दीजिए, हमको एकदम परफेक्ट आंसर दीजिएगा कि आप जो है ऐसा क्यों करें। अब आपको जो भी वीडियो देते हैं वो रूम में अपना सेटअप ही बनाते हैं, छत का की वीडियो नहीं आ पाते, बहुत कम आता है, तो इसका आंसर दीजिए भाई हमको। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं छत पे वीडियो बनाता था तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास जो है सेटअप था, ना घर था, ना रूम था, तो धीरे धीरे मैंने सारे चीज़ें बनाई। तो अभी क्या है कि देखिए उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी, कैमरे को रोज़ मैं ट्राइपॉड और कैमरे को छत पे लेके जाता था, उसको फिर फिट करता था, फिर वीडियोस बनाता था, फिर नीचे आता था, फिर एडिट करता था, बहुत मेहनत लगती। अभी मेहनत थोड़ा कम लगता है, सब कुछ मेरा सेट रहता है ट्राइपॉड पे, एनी टाइम कैमरा फिट है, लाइट लगा हुआ है, बस स्विच दिया, वीडियो शूट करना शुरू, तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, सबसे पहला चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ आपने जैसा बताया कि मैं पहले जैसा वीडियोस नहीं बनाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पहले जैसा वीडियो अभी भी बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आता हूँ अपने लाइफ स्टोरी को सुनाते हुए, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, तो मैं ऐसा कोशिश कर ही रहा हूँ। थर्ड बात अगर ये करूँ कि कुछ दिन पहले मैंने कोशिश किया था कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज़ बना रहा था मैं अपने ब्लॉग चैनल पर, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि ऑडियंस का जो है उसमें सपोर्ट नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही थी कि तू मोटिवेशन देने लगा, तू बहुत बड़ा अपने आप को समझने लगा, तो ये सब चीज़ें जब देखता हूँ तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन मुझ में भी आ जाती है कभी कभी, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, जब किसी पब्लिक को ही पसंद नहीं आ रही थी ये काम करके क्या फ़ायदा। आप लोग चिंता मत करो, टेंशन मत लो, इसी तरह के वीडियो आएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है, यूट्यूब टिप्स तो आएंगे लेकिन उसके साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस आएंगे जो कि आपको मोटिवेट करने की मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से जितना। अच्छा भाई आप तो ये क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, अब बताते अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई आपका जो है 800K सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो गया है, पार कर गया है, ठीक है, 8 लाख सब्सक्राइबर पार गए आपका जो है वो 10 मिलियन अगर सब्सक्राइबर हो जाएगा भाई तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हमको बताइए। सबसे पहली बात तो भाई आपने बोल दिया 10 मिलियन, ये बोलना अभी नहीं अच्छा लग रहा है,
1 मिलियन सबसे पहले हम लोगों को अचीव करना है, उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब कर दो, भाई को सपोर्ट करो, जल्दी से 1 मिलियन हिट करते हैं हम लोग। और 10 मिलियन जब हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, तो उसका कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन कुछ बहुत बड़ा करूँगा। 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, तो कुछ बहुत बड़ा करूँगा, ठीक है। और एक चीज़, कुछ दिन बाद मैं एक चीज़ अनाउंस करूँगा जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे बिहाइंड द सीन में कुछ काम चल रहा है जिसके बारे में मैंने सोचा था बहुत दिन पहले, वो चीज़ फाइनली अब जो है लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में वीडियो जल्द आ जाएगी, एक्साइटमेंट बढ़ा कर रखो। कुछ वीडियो यहीं पर एंड हो गया है, आप बताते हैं आपको दोस्तों कि आपको लोग को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। इस तरफ का आपको मनोज भाई की तरह आपको बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो मेरे ही चैनल पर जरूर मिलेगा। और भाई बोल रहे हैं कि सपोर्ट करने के लिए एकदम फुली सपोर्ट कीजिए, सब लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर वर्क करेंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।